बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं, और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रीओल, सेंट्री इज फॉर द सेंटर एंड द मीनिंग ऑफ ओल इज लिटल। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द लिटल सेंट्रल पार्ट। वेयर इट इज प्रेजेंट? किन सेल्स में होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स, इन द लोअर प्लांट्स, इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, बट सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन हायर प्लांट। हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते नहीं होते, लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। This part is the nucleus, और nucleus के बिल्कुल exterior surface पर आपको ये दो red color के structure नजर आ रहे हैं। These are the centrioles near the nucleus. इन centrioles को अगर हम थोड़ा सा enlarge करके देखें तो देखिए आपको कौन सी shape के नजर आ रहे हैं। These are cylindrical in shape. इसी तरह से आपने notice किया होगा कि दोनों centrioles एक दूसरे के perpendicular हैं, या एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं दैट इज द राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। फिर से देख लीजिए, नियर द न्यूक्लियस टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। जिस जगह पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जमा हुए भी होते हैं, उस जगह पर विद द इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि सेंट्रियोल और साइटोप्लाज्म, उस जगह के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? सेंट्रोसोम। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो देखिए दोनों सेंट्रियोल्स हैं और इनके इर्द गिर्द पेरी सेंट्रियोलर पार्टिकल्स हैं। ये आपको पेरी सेंट्रियोलर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ये पेरी सेंट्रियोलर पार्टिकल्स, ये दोनों सेंट्रियोल, इनके लिए कंबाइंड टर्म क्या यूज की जाती है? सेंट्रोसोम। सो दीज आर द सेंट्रियोल्स, और ये जो जगह जहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? सेंट्रोसोम। नाउ कंपोजिशन, ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। आपको याद होगा मैं अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफ्लामेंट को, इंटरमीडिएट फ्लामेंट को। तो याद रखें सेंट्रियोल्स जो हैं ये बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, और इसके अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं? 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं तो इसके अंदर कौन सी वाली प्रोटीन इन्वॉल्व होगी? आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूल से मैंने आपको कहा था याद रखिएगा इसमें कौन सी वाली प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये तो जनाब हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, किन सेल्स में है, लोकेशन कहां पर है और शेप कैसी है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो ये कंसिस्ट करता है 9 पेरीफ्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज द 1 माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज एन अदर माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल। इन माइक्रोट्यूब्यूल के लिए देखिए हम टर्म क्या यूज करें? पेरीफ्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीफ्रल? व्हिच इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री, जो कि मार्जिन्स पे प्रेजेंट हो, बाउंड्री पे प्रेजेंट हो, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरीफ्रल। सो दीज आर द 9 पेरीफ्रल माइक्रोट्यूब्यूल। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये कंसिस्ट करता है फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स पर, जिनके लिए हम टर्म यूज करें सब ट्यूब्यूल्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट करते हैं 3 सब ट्यूब्यूल्स पर, यानी कि इस वजह से हम कह सकते हैं This is the triplet microtubule. So, this is the triplet microtubule. और triplet microtubule के अंदर 3 subtubules हैं। ये subtubules कौन कौन सी हैं? A, B and C. A, B और C are the subtubules. ये तीनों मिलकर किसको बना रही हैं? Microtubule को। और इनके अंदर definitely जब ये microtubules हैं तो इनके अंदर जो protein मौजूद है that is the tubulin protein. A के अंदर 13 प्रोटोफ्लामेंट्स होते हैं। प्रोटोफ्लामेंट्स किस चीज के बने होते हैं? दैट इज मेड बाय द ट्यूबुलिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन।
बी और सी के अंदर 10 प्रोटोफ्लैगेल्स होते हैं। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स तो पेरिफ्री में प्रेजेंट हैं, बट दीज आर एब्सेंट इन द सेंटर, सेंटर में एब्सेंट है। सेंटर के अंदर एक रॉड शेप प्रोटीन मास होता है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हब, जो कि सेंट्रल पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जो एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं किसके थ्रू, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए सबट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की सी सबट्यूब्यूल के साथ कनेक्ट होती है, और जिस चीज के साथ कनेक्ट होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज ए सी लिंकर। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज द ए सी लिंकर। अगेन ए माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि ए सबट्यूब्यूल एक माइक्रोट्यूब्यूल की दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल के सी सबट्यूब्यूल के साथ जिस स्ट्रक्चर से लिंक होती है दैट इज नोन एज ए सी लिंकर। यू सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आपने नोटिस किया कि हब जो कि सेंट्रल पार्ट है प्रोटीन का बना हुआ है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये भी कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जिस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेडियल स्पोक। यू आपने नोटिस किया कि वो एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। यस क्लास, नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में बाय फॉर्मिंग द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल के अंदर एक और एबिलिटी भी है, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द न्यू सेंट्रियोल्स बाय स्प्लिटिंग। आपने देखा था शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के पास एक पेयर था सेंट्रियोल का, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है दे डुप्लीकेट और एक के बजाय अब कितने पेयर्स बन जाते हैं, 2 पेयर्स बन जाते हैं। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स टू गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। कौन से वाले फेज के अंदर इनकी डुप्लीकेशन होती है, दिस इज डन इन इंटरफेज, और इंटरफेज में भी दैट इज द एस फेज जिसमें कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब सेल डिवाइड होते हैं तो देखें एक पोल में सेंट्रियोल का पेयर प्रेजेंट है, दिस इज अनदर पोल जहाँ पे कि सेंट्रियोल का पेयर प्रेजेंट है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल और साथ ही जो उसका नेबरिंग एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, उसको मिलाकर हम टर्म क्या यूज करते हैं, सेंट्रोसोम। यानी कि लोकेशन ऑफ द सेंट्रियोल इज द सेंट्रोसोम। यहां से फॉर्मेशन किसकी हो रही है, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज सेंट्रियोल्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द बेसल बॉडीज एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सीलिएटेड सेल्स मौजूद हैं, उनकी फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, बेसल बॉडी, और वो बेसल बॉडीज बनती ही किससे हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स। तो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने सेंट्रियोल्स को डिस्कस किया। सेंट्रियोल्स में बेसिकली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज ट्यूबुलिन, किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड होने में, सीलिया की फॉर्मेशन में, फ्लैजेला की फॉर्मेशन में। तो ये इसका मेन फंक्शन था। आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।